हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कुछ नए प्रोग्राम देखेंगे, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर में यूनरी नॉट ऑपरेटर, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर और एक दो प्रोग्राम आपकी जो बुक के पीछे दे रखे हैं उनको आज हम सी एडिटर में बनाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हम शुरुआत करते हैं यूनरी नॉट ऑपरेटर से। तो ये दो एड्रेस हमने ले लिए, यहाँ एक क्लास बना रहा हूं मैं, एक क्लास बनाते हैं हम नंबर नाम, ठीक है, कोई भी क्लास बना सकते हो आप। इसके अंदर क्या करता हूं मैं, एक प्राइवेट में एक नंबर ले लेता हूं, क्योंकि इंटीजर नंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं, तुमको इसके सफाई लगाने की जरूरत तो है नहीं। अब लगाता हूँ पब्लिक में जो नंबर है वो मैं पास करवाऊंगा, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, void get num, ठीक है, इसमें लेता हूँ इंटीजर x, जल्दी पास करवा देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ मैं ये num इक्वल टू x, ओके। और अब मैं इस नंबर को मतलब शो करवा देता हूँ, तो void show नाम का हमने फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मैं नंबर को शो करवा रहा हूँ। सी आउट डिवन नंबर था उसको लिखा हूँ मैं, नंबर इज को मैं करवा रहा हूँ शो। ठीक है, इस फंक्शन में हमने नंबर को क्या करवा दिया, शो कर दिया। अब मैं एक बनाऊंगा नॉट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए, उसका एक ऑपरेटर फंक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले void रिटर्न कुछ करवाना नहीं है, रिटर्न तो कुछ करवाना नहीं है, इसलिए void ऑपरेटर नाम का मेरा कीवर्ड, उसके बाद में मेरा ये नॉट ऑपरेटर का सिंबल, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं कुछ नहीं ले रहा, यूनरी ऑपरेटर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा नंबर था उसको मैं कर रहा हूँ नॉट से कन्वर्ट, ठीक है। आप सब जानते हो कि नॉट क्या करता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है उसको क्या उसको कर देता है इन्वर्ट में। तो सो देखेंगे कैसे काम करता है ये। अब आ जाओ मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में आके मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब मैं क्लास को बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, क्लास की हमारी नंबर ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एन नाम से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एन डॉट जो मेरा फंक्शन था गेट नम उसको मैं करवाता हूँ कॉल, और उसके लिए एक नंबर पास करता हूँ माना कि 15, ठीक है, एक नंबर पास कर दिया मैंने। आप नंबर को भी पास करवा सकते हो। उसके बाद में मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, बिफोर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन, मतलब ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने से पहले मेरी वैल्यू क्या थी उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो क्या हो जाएगी, एन डॉट शो, तो शो फंक्शन बनाया था हमने, तो हमने शो फंक्शन को कॉल करवा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये ऑपरेटर फंक्शन है नॉट ऑपरेटर वाला फंक्शन, इसको मैं कॉल करवाता हूँ। तो सिंपली नॉट ऑपरेटर है ये, यूनरी ऑपरेटर है तो एक ऑपरेटर पर काम करेगा, तो मैं कर रहा हूँ नॉट ऑपरेटर और हमारा एन ऑब्जेक्ट, मतलब एन ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू थी उसको क्या कर देगा, ये इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो प्रिंट करवाता हूँ वापस, सी आउट हम लिखते हैं आफ्टर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। अब दोबारा प्रिंट कराते हैं इसको, एन डॉट शो हम लगा देते हैं,
लेफ्ट सीएच। ओके अब देखो क्या हो रहा है प्रोग्राम में। यहां मैंने एक सिंपल नंबर ले लिया यूजर, मतलब एक डेटा मेंबर ले लिया। इसके अंदर मैं नंबर के अंदर एक वैल्यू दे रहा हूँ गेट नम फंक्शन के थ्रू, फिर शो फंक्शन में इस नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ, और बाद में ये मेरा नॉट ऑपरेटर फंक्शन है जो जो भी नंबर होगा उसका इन्वर्स करेगा। इन्वर्स किस प्रकार करेगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, नंबर में पास कर दिया 15, मतलब नंबर में क्या है हमारा 15 है। बिफोर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन तो नंबर जब प्रिंट करवाएंगे कितना प्रिंट होगा 15। आफ्टर क्या होता है ये अभी आप इसको आउटपुट पर देखो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होगा। बिफोर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन नंबर इज 15, तो एक बार इसको स्लैश लगा देते हैं। स्लैश से क्या होगा कि क्या भेजेगा, ठीक है। अब देखो बिफोर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन नंबर इज 15, आफ्टर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन नंबर इज 0। अब नॉट ऑपरेटर में नंबर 0 कैसे हुआ इसको आप समझना स्टूडेंट्स। हमारा जो नॉट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है कि अगर रिजल्ट ट्रू निकला उसको फॉल्स कर देगा, और अगर रिजल्ट फॉल्स निकला तो उसको ट्रू कर देगा। अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ तो नंबर है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है ही नहीं। तो स्टूडेंट जब भी हम बात नंबर्स में करते हैं, नंबर्स हम बात करते हैं इंटीजर्स में, तब हम हमेशा फॉल्स को काउंट करते हैं 0, और 0 के अलावा जितने भी नंबर होते हैं उनको काउंट करते हैं ट्रू, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉल्स हो गया हमारा 0 और 1 हो गया हमारा ट्रू। अब यहाँ पर ये नंबर 15 है, 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है ट्रू है। तो इसको जब फॉल्स में काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पर नंबर कर दूंगा 0 इसका मतलब अब नंबर क्या है मेरा फॉल्स, तो इसको मैं ट्रू करूंगा मेरा ये नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा 0 ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। यहाँ पर अभी फॉल्स है मेरे पास में, इसको जब मैं ट्रू करूंगा तो नंबर में क्या जाएगा 1। तो क्या हो गया नंबर इज 0 आफ्टर कॉलिंग ऑपरेटर फंक्शन नंबर इज 1, मतलब नॉट ऑपरेटर क्या करता है ट्रू क्या फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो आपका जो अगला हमारा प्रोग्राम है इस ये जो आपकी बुक के पीछे दे रखा है, मतलब कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा दो स्ट्रिंग को हमको जोड़ना है, तो वो प्रोग्राम मैं आपको अभी बता देता हूँ किस प्रकार हम दो स्ट्रिंग को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम प्लस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे, आपको एक बार दिखा देता हूं मैं, ये तो नहीं है, नया बना देते हैं। ठीक है यहां बनाएंगे दो स्ट्रिंग को जोड़ने का प्रोग्राम। तो सबसे पहले एड्रेस फाइल्स एज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, पहले आपको मैसेज लिखकर दिखा दूं जिससे आपको ध्यान में जाए। पहले कमेंट लाइन लिखते हैं, स्ट्रिंग जोड़ने को क्या बोलते हैं कॉनकैट, कॉनकैट एनोटेट टू स्ट्रिंग यूजिंग ऑपरेटर ओवर लोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक एड्रेस फाइल ले ली ou.h। अब देखो स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम है तो हम इसमें तीसरी स्ट्रिंग एक तीसरी एड्रेस फाइल कर लेंगे, जो कौन सी होगी स्ट्रिंग डॉट एच। मैं जो भी प्रोग्राम बना रहा हूँ आप इसको प्लीज घर बैठ कर भी एक बार प्रैक्टिस करना, जैसे मैं क्लास बना रहा हूँ स्ट्रिंग नाम से, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं एक कैरेक्टर एरे ले रहा हूँ जो कि मेरा स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में लेगा, ठीक है। ये साइज में थोड़ी मैक्सिमम देता हूँ, थोड़ी दे दूंगा, ओके। एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ मैं गेट
स्ट्रिंग का, ठीक है। और उसके अंदर लिखता हूं सिंपल सीन, और जो मेरे स्ट्रिंग थी एस टी आर वो मैं यूजर से खेलूंगा। अब एक है मेरा सो स्ट्रिंग का, सर यहाँ पर एक बार रिटर्न टाइप भी लगाया हमने वॉइड गेट स्ट्रिंग, ठीक है। एक है मेरा वॉइड सो स्ट्रिंग, ये क्या करेगा स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख देता हूं मैं आउट, ये कर देगा प्रिंट str, ठीक है। अब देखो ऑपरेटर होल्डिंग के द्वारा हमको दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो हम अब हम बनाएंगे ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। तो ऑपरेटर फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग का फंक्शन बनाएंगे, किसका स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग में हम जोड़ने के बाद वापस स्ट्रिंग को ही रिटर्न करवाएंगे, तो हम रिटर्न टाइप लेंगे स्ट्रिंग, जो हमारा क्लास टाइप है। क्लास के अंदर स्ट्रिंग में एस बड़ा है तो यहाँ पर भी एस बड़ा ही रखेंगे, तो मेरी स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। फिर हमारा ऑपरेटर फंक्शन, फिर जो जोड़ना है तो यहाँ पर मैं प्लस ऑपरेटर का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर वापस एक स्ट्रिंग पास करूंगा, तो स्ट्रिंग टाइप का ही मैं क्या ले रहा हूँ, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक आर्गुमेंट कंपाइलर इसके अंदर। अब इसके अंदर वापस मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ। अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये जब मैं आपको मेन फंक्शन बनाऊंगा, प्रोग्राम रन कराऊंगा, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। जैसे किसका मैंने ले लिया x, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक फंक्शन है str cat, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। तो str cat फंक्शन को मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रिंग है str, इसके साथ में जो स्ट्रिंग मेरी यहाँ से पास होगी उस स्ट्रिंग को कॉन्केट करवा रहा हूँ। तो कर रहा हूँ एस डॉट एस टी आर, ठीक है। और बाद में जब मेरी स्ट्रिंग कॉन्केट हो गई, तो कॉन्केट होने के बाद जो जुड़ी हुई स्ट्रिंग है मेरी, उसको मैं एक्स में कॉपी करवा रहा हूँ। तो कॉपी करने के लिए फंक्शन है मेरे पास एस टी आर सी पी वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एस टी आर कॉमा जो एस टी आर के अंदर स्ट्रिंग थी मेरी, ठीक है ये। और बाद में क्या करवा रहा हूँ, रिटर्न स्ट्रिंग एस, एक्स को रिटर्न करवाना है क्योंकि जुड़ी हुई स्ट्रिंग मेरी एक्स के अंदर है, तो कर रहा हूँ रिटर्न एक्स, ठीक है। अब हम बनाते हैं हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। एक प्रोग्राम फिर से समझा दूंगा, एक बार दोबारा से, चिंता मत करना। CLR, ये हो गया हमारा स्क्रीन प्ले करने के लिए। अब मैं क्लास बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए S1, S2, S3, ठीक है। अब मैं S1 के अंदर एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मैं पहले पैसिफिक करा दूँ पी आउट, एंटर स्ट्रिंग S1, ठीक है। अब ले रहा हूँ सी इन, सर सी इन नहीं लूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा मैं S1 डॉट गेट स्ट्रिंग, फंक्शन था हमारा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया, उस बार से वही काम वापस सी आउट एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस एन। वापस S2 डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब दो स्ट्रिंग हमने ले ली, अब इन दोनों स्ट्रिंग को हम एक बार शो करवा देते हैं, ठीक है। तो शो करवाने के लिए मैंने फंक्शन क्या बनाया था, शो करने का फंक्शन बनाया था void, ये शो गेट स्ट्रिंग शो नाम से था, शो स्ट्रिंग, शो स्ट्रिंग नाम से हमारा फंक्शन था, ठीक है।
तो मैं एक बार इनको यहीं पे प्रिंट करवा दूं, तो यहां पे करवाता हूं। ठीक है, तो मैं प्रिंट करता हूं मैसेज सी आउट। स्ट्रिंग फर्स्ट, ठीक है, सेकंड नहीं करता हूं, एंड स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट है मेरी जो भी है, तो यहाँ पर वो बस ऐसे नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट इसके लिए क्या होगा, एस वन डॉट सो स्ट्रिंग मेरा फंक्शन का नाम था। जैसे ही आउट यहां मैं लिखता हूं स्ट्रिंग सेकंड, ये हो गया एस टू डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या कराऊंगा, इसको कॉन्केट करवाऊंगा। तो कॉन्केट में क्या करूंगा, एस थ्री इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, तो ये क्या हो गया मेरा ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो गया, ऑपरेटर फंक्शन। इनवोकिंग ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। अब मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूं वापस से आउट, न्यू लाइन पे कर देता हूँ, स्टेशन लेबल लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बस एस थ्री को प्रिंट करवा दूंगा, थ्री डॉट सो स्ट्रिंग। ठीक है, लास्ट में हमारा ठीक है। अब देखो एक बार समझना, एक बार इसको, ये प्रोग्राम आपकी बुक के पीछे दे रखा है स्टूडेंट, इसके अंदर एक मैंने कैरेक्टर एरर लिया है जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग को पास करवाऊंगा। ठीक है, गेट स्ट्रिंग फंक्शन के जरिए मैं यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट के रूप में लूंगा, सो स्ट्रिंग से उसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊंगा। अब यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक ऑपरेटर फंक्शन बनाया है प्लस का, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए मैंने प्लस नाम के ऑपरेटर को ओवरलोड करवाया है। इसके अंदर एक मैंने फंक्शन पास कर दिया, एक क्लास टाइप वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है, और यहां पर हाँ ठीक है, और यहां पे स्ट्रिंग का एक और मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस एस के अंदर जो स्ट्रिंग मेरी पास होगी वही स्ट्रिंग, एक तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी, और जैसे कि मैंने दो यहां देखो मेन फंक्शन में हूं, यहां पर मैंने बनाई स्ट्रिंग एस वन एस टू, तो जब यहां पर मैंने फंक्शन कॉल करवाया, यहां देखना समझना आप, एस वन प्लस एस टू, तो प्लस ऑपरेटर यहां पर कॉल हुआ है फंक्शन, तो एस टू वाली स्ट्रिंग किसमें पास होगी, एस टू वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में पास होगी, और एस टी एन कौन सी होगी, एस वन वाली स्ट्रिंग, तो एस वन वाली स्ट्रिंग और एस टू वाली स्ट्रिंग जो यहाँ पर पास हुई है वो आपस में क्या हो जाएगी, कॉन्केट हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हमने एस टी एस सी टी फंक्शन लगाया है, फंक्शन बनाया है यहाँ पे, उसके बाद जो स्ट्रिंग यहाँ पर जुड़ी है, जो एस टी आर में गई है, वही एस टी आर वाली स्ट्रिंग एक्स डॉट एस टी आर में कॉपी हो जाएगी, मतलब एक्स में कॉपी हो जाएगी, और हमने बाद में कर दिया रिटर्न एक्स, तो एस थ्री में क्या जाएगा, यहाँ पर एस थ्री में, एस थ्री जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो एक्स में एक्स जो वैल्यू रिटर्न हुई थी वो जाएगी एस थ्री के अंदर, मतलब एस थ्री में क्या है, एस वन एस टी एस टू स्ट्रिंग का जो आपस में जुड़कर हुई है वो वाली। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया, रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं आपको प्रोग्राम। देखो एंटर स्ट्रिंग फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ बाल, ठीक है, एंटर स्ट्रिंग एस टू लिखा इसके अंदर मंदिर, ओके। अब देखो स्ट्रिंग फर्स्ट बाल, स्ट्रिंग सेकंड क्या है मंदिर, और कॉन्टेंटेड स्ट्रिंग क्या होगी मेरी बाल मंदिर। तो दोबारा से रन करवाते हैं, एक बार कुछ और देते हैं, मैंने यहाँ पे बना की विकास, ठीक है,
और दे दिया मैंने यहाँ पे शर्मा, विकास शर्मा, तो यहाँ क्या हो गया विकास शर्मा और विकास शर्मा क्या हो गया जुड़ गया। तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम था दो स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर के द्वारा ओवरलोड करके जोड़ना। तो ये प्रोग्राम आप एक बार आपकी बुक के पीछे दे रखा है, इसको एक बार बनाकर देखना आप, ठीक है। अब स्टूडेंट एक प्रोग्राम और है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है। तो स्टूडेंट वैसे तो आपसे कोई रिलेशनल ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी कई बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा रहती है, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम इसके अंदर बता देता हूँ जो मैंने बनाकर रख लिया है। बनाऊंगा तो और वीडियो की लेंथ लंबी होगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ये रिलेशनल ऑपरेटर को यहाँ ओवरलोड में इसके अंदर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैंने इस रिलेशनल ऑपरेटर को यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे ओवरलोड किया है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास है मेरी हाइट नाम की, इसमें मैंने फीट और इंच ले लिया, ठीक है। फीट और इंच की वैल्यू मैंने ले ली इस फंक्शन के जरिए। यहाँ मैंने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, ये क्या है मेरा कंस्ट्रक्टर। जब भी मैं क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी मैं हाइट और फीट और इंच जो भी होंगे वो मैं पास कर दूंगा। फिर वर्ड शो फंक्शन इसके जरिए फीट और हाइट इंच में प्रिंट करवा रहा हूँ, और ये मेरा ऑपरेटर फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है, फीट लेस देन एच डॉट फीट, मतलब जो मैं कंपेयर करवाने के लिए जो मैं यहाँ पर पास करूंगा उससे कंपेयर करवा रहा हूँ। अगर वो लेस देन है तो रिटर्न वन। और उस दूसरी चीज, एक तो चलो फीट तो माना कि मेरे बराबर हो गए, जैसे कि किसी की हाइट होती है 5 फुट 10 इंच, किसी की होती है 5 फुट 6 इंच, तो कैसे मालूम चलेगा ये कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो फीट या तो हमने उसके फिट कैलकुलेट करवा लिए, या फिर अगर फिट बराबर है तो हम इंचेस को यहाँ पर कैलकुलेट करवा रहे हैं। इससे मैंने दो कंडीशन लगाई, एक लगाई फिट के लिए, एक लगाई मैंने इंचेस के लिए। अगर हमारे ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तब तो पता चल जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा, और अगर फिट बराबर होते हैं तो यहाँ पर कंडीशन लगाई मैंने इंचेस के लिए, इंचेस को मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया रिटर्न वन। अगर दोनों ही बराबर हैं तब हम करवा रिटर्न जीरो, उसका मतलब कि दोनों क्या है इक्वल है बराबर है। अब बताओ मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने पास कर दिया, एक में पास किया 6 फुट 4 इंच, एक में पास किया 6 फुट 11 इंच, मतलब यहाँ पर फिट बराबर है, इंचेस से चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। ये मेरा H2 है, यहाँ मेरा H1 है, यहाँ पर कौन H2 बड़ा है और H1 छोटा है, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया इफ H1 लेस देन H2। H1 और H2 क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन कॉल हुआ है लेस देन ऑपरेटर, अब मालूम चल जाएगा। देखो रन करवा इसको, क्या H1 इज लेस देन H2, H1 छोटा था, H1 की हाइट थी 6 फुट 4 इंच, इसके लिए 6 फुट 11 इंच, अब इसकी हाइट जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, मैं करता हूँ 7 फुट। अब क्या हो जाएगा, H2 छोटा हो जाएगा, तो देखिए H2 इज लेस देन H1, मतलब कि यहाँ पर मैंने इस रिलेशनल लेस देन ऑपरेटर को ओवरलोड करवाया है, ठीक है। तो एक ये प्रोग्राम रिलेशनल ऑपरेटर, इसको भी आप एक बार प्रोग्राम बनाकर देखना। वैसे आपसे रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी किस प्रकार से रिलेशनल ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, किस प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। तो ये आपके स्टूडेंट आज ऑपरेटर ओवरलोडिंग का चैप्टर खत्म हो गया है। कल से हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। आप सब इन्हीं प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रोग्राम की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।